अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है आलू बुखारे की चटनी। ये हम ख़ास शुगर फ्री आलू बुखारे की चटनी बना रहे हैं। इसके लिए ये मैंने आलू बुखारा लिया है, तकरीबन 200 ग्राम से, और इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे, ये भी मैंने 200 ग्राम लिया है। इसमें हम डालेंगे बादाम 100 ग्राम और चारों मगज़। इसमें हम डालेंगे 4 से 5 हरी इलायची, 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शुगर फ्री जामेश्वरी लिया है या रूह अफ़ज़ा आप ले सकते हैं, 1/3 मैंने इसमें लिए हैं लाल मिर्च और 1/3 ही इसमें मैं नमक डालूंगी। इसमें मैं पानी का इस्तेमाल करूंगी 500 ml तक, और हम इसको प्रिजर्व करने के लिए सिरके का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी मेकिंग शुरू करते हैं। ये देखें, अब हमने पैन चूल्हे पर रख दिया, अब हम आग चला लेते हैं। आग से आपके पास सबसे पहले हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये हमने तकरीबन 500 ml लिए। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें आलू बुखारा ऐड कर देंगे। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारा जो आलू बुखारा है वो सॉफ्ट हो जाए। हमने इसको तकरीबन थोड़ी सी तेज़ आंच पे रखा है ताकि पानी जल्दी से गर्म हो जाए और आलू बुखारा सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। ये देखें, अब हमने इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाना है। पानी अब हमारा गर्म हो चुका है। आलू बुखारा हमने पहले से इसलिए भिगो के रखा था कि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, पानी अब हमारा बॉयल होना शुरू हो चुका है। हमने सिर्फ आलू बुखारे को सॉफ्ट करना है, हमने पानी को ड्राई नहीं करना। थोड़ी सी आंच अब हम हल्की कर देंगे ताकि आलू बुखारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। ये हम ख़ास शुगर पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं ताकि वो भी इसको एंजॉय कर सकें। शक्कर अब हम अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे। इलायची अब हमने खोल ली है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह इसमें ऐड हो सके। साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और लाल मिर्ची ऐड कर देंगे। नमक और लाल मिर्च हमने 1/3 लिए हैं, 1/3 टीस्पून। साथ साथ आप इसको हिलाते जाएं ताकि जो शक्कर है वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए और वो पैंदे में इकट्ठी ना हो। ये देखिए, हम इसको साथ के साथ हिलाते जाएंगे। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि जो हमारा पानी है, यानी कि जो हमने इसकी चटनी के लिए हमने इसकी थिकनेस जितनी रखनी है उतनी हो जाए और जो आलू बुखारा है वो सॉफ्ट हो जाए। आलू बुखारा अच्छी तरह फूल के सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखें, आलू बुखारा जो अब हमारा फूलना शुरू हो चुका है, सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। अब इस टाइम पे हमें इसकी मज़ेदार से खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। हम इसको कॉन्टीन्यूसली हिलाते जाएंगे। ये देखें, जो हमारा मटेरियल है ये अब थिक होना शुरू हो चुका है और आलू बुखारा कितना अच्छा फूल चुका है, नरम हो चुका है। अब इस स्टेज में हम इसके अंदर शुगर फ्री, आप रूह अफ़ज़ा या जामेश्वरी जो भी डालना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा हो चुका है। आप शक्कर की, नमक और मिर्चों की क्वांटिटी इसमें टेस्ट करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे, हल्के हाथों से इसको हिलाते जाएंगे। इसके इस वक्त स्टेज पे इसकी खुशबू मज़ीद बेहतरीन आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसको अपनी रिक्वायर्ड थिकनेस तक इसको पकाएंगे। ये देखें, आलू बुखारे की हमारी चटनी अब पक रही है। हम पिछले 10 मिनट से इसको मुसलसल पका रहे हैं और इसको साथ साथ मिक्स करते जा रहे हैं। अब हम इसमें जो हमने चारों मगज़ लिए थे वो ऐड कर देंगे और बादाम ऐड कर देंगे। बादाम हमने भिगो के रखे हुए थे, आप चाहें तो इसमें कूट के भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें साबुत बादाम ऐड करूँगी।
ये देखिए चटनी अब हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें हमें बादाम और मगज़ ऐड कर दिए थे, चारों मगज़। आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आलू बुखारा कितना अच्छा फूल चुका है, हमने इसको मैश नहीं किया बल्कि ऐसे साबित ही रहने दिया है। चटनी अब हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, ठंडा होने पर ये और थिक भी हो जाएगा। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करना चाहते हैं तो पानी ऐड करने के बाद आप इसमें कॉर्नफ्लोर को ऐड कर लें ताकि उसको थिक कर सकें। ये देखिए हमने चटनी को डिश आउट कर ली है। हमने इसके अंदर बिल्कुल भी कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसको नेचुरली ही इतना ही रखा है जितनी इसकी थिकनेस आपको नज़र आ रही है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ये ख़ास शुगर फ्री पेशेंट्स के लिए हमने आलू बुखारे की चटनी बनाई है, इसमें हमने बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये डिश और इसकी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।